छोटी खोपड़ी में बड़ी बात नहीं जाती है। अभी मेरा जो काम है वो बहुत से आम जनता को समझ में नहीं आता है। आम जनता तो छोड़िए, जो मतलब आरटीए कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, या फिर राजनीतिक पुढ़ारी है, जो कई सालों से चप्पल घिस रहे, 5-10 साल हो गए उनको राजनीति में किसी पद पर, जिन्होंने ज़िंदगी में 10 अर्जी नहीं डाली है, तो उनको मेरी 100-200 अर्जियाँ बिल्कुल हजम नहीं होती है। और ये कैसे है, क्या आप देखोगे, लोग जो है कोई जो है अपने सिर्फ गांव के लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर काम करता है, कोई ताल्लुक का स्तर तक करता है, कोई ज़िला स्तर तक करता है। इस तरह कार्यकर्ता भी अलग अलग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो महाराष्ट्र लेवल तक भी काम करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो गांव में भी काम कर रहे हो, तालुका ज़िला लेवल पे भी कर रहे हो और स्टेट लेवल पे भी कर रहे हो। तो मेरा जो काम है ग्राम पंचायत से लेकर तहसील कलेक्टर कार्यालय और मंत्रालय तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरी एक एप्लीकेशन मंत्रालय के 35 डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई है, मतलब इतनी जगह मेरा काम चल रहा है बैक वक्त एट अ टाइम। ग्राम पंचायत में भी काम शुरू है और मंत्रालय तक के जितने ऊपर से नीचे तक है। दूसरी आप बात ये देखिए कि कुछ लोग जो है सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई महसूल में कर रहा है, कोई तहसील में कर रहा है, कोई ग्राम पंचायत में कर रहा है, कोई मंत्रालय में कर रहा है, कोई पुलिस विभाग में कर रहा है, लेकिन मैं एट अ टाइम कई अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक कर रहा हूँ। और अगर आप लेफ्ट राइट देखें तो जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है एट अ टाइम ये सब जगह मेरा काम चालू है। तो और दूसरी चीज़ क्या, रिजल्ट की जो बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम आम बोए तो एक दिन, कुछ महीने या कुछ हफ्ते में आम का पेड़ बड़ा होकर फल नहीं देने लगेगा। मैं एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा हूँ और वक्त लगेगा, समय लगेगा। मैं जानता हूँ मैं इतनी जगह जो सब काम कर रहा हूँ, तो एक ही दिन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, धीरे धीरे बदलाव आएगा, कई साल लग सकते हैं। तो मैं एक लंबी रेस के अंदर शामिल हूँ और मुझे घाई बिल्कुल भी नहीं, जल्दी बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इधर एक कागज़ डाला और इधर मुझे फौरन रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरे को भी शांति है, आराम है, धीरे 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 जो है जितनी धीरे धीरे काम होगा, बुनियाद जितनी मतलब धीरे धीरे बनेगी उतनी मजबूत बुनियाद बनेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और कंटिन्यू जो है मैं एकदम मुस्तकिल मिजाजी से कॉन्स्टेंट जो है काम पे लगा हुआ हूँ, ग्राम पंचायत, तहसील, कलेक्टर, मंत्रालय से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मंत्रालय लेवल पे, राज्य लेवल पे काम करती है लेकिन वो गांव के लेवल पर नहीं करती है। तो ऐसे बहुत एक रेयर आपको लोग मिलेंगे कि जो गांव में भी काम कर रहे हैं और उसी वक्त मंत्रालय राज्य स्तर पर भी काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग में भी कुछ सुधारना करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत तहसील में भी करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। और मेरा ये जो इतना फैला हुआ काम है, तो ये छोटी सोच रखने वालों के छोटे खोपड़ी में जो है तो जाता नहीं है। और मुझे इनका कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि ये लोग मेरे काम को अप्रूव करें, सही बताएं, तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा इनके सही गलत के लिए। तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे कोई सर्टिफिकेट दे, कोई तमगा दे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। मैं इन लोगों से उम्मीद भी रखता नहीं हूँ, ये लोग मुझे किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट दे या फिर मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले, बुरा बोले, वो उनका काम है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा सोचेगा। अब वो उनकी मेरा जो काम है ये छोटी सोच के लोगों की छोटी खोपड़ी में आता ही नहीं है। तो उनसे सर्टिफिकेट लेकर, उनसे अप्रूवल लेकर कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे को बिल्कुल भी, मैं इसकी उम्मीद नहीं करता हूँ। जैसा भी है, कैसे आज नहीं कल लोगों की मेरी बात समझ में आएगी। और अभी तो क्या है, समझो एक बीज बो के रखे गए हैं इतनी जगह, कुछ सालों के अंदर जब ये एक बाग बन जाएगा, लोगों को इसका फल दिखाई देगा, तब ये इनकी बात समझ में आएगी। और इनके समझ में आने ना आने से मेरे काम पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको मेरा काम नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है। तो क्योंकि मैं अब तने तनहा अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, किसी के भरोसे, किसी के कंधे पर नहीं चल रहा हूँ। जैसे लोग बोलते कंधे पे रख के बंदूक चलाते, मैं अल्लाह लेलान सामने खड़े रहकर कार्रवाई करता हूँ। और बिल्कुल एक लॉन्ग विज़न के साथ मैं मैदान में उतरा हूँ। तो छोटी सोच के लोग और जो छोटे छोटे है वो अपनी जगह सही है, वो समझते हैं कि मैं ऐसा काम करना चाहिए, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे सिस्टम से कर रहा हूँ, मेरी एक स्ट्रेटेजी बना के कर रहा हूँ और मुझे कामयाबी मिलेगी, सत्य में हो जाती है।